तो सैटरडे का दिन है, फरवरी का महीना, ठंड जाने का टाइम हो गया है, लेकिन मौसम भी एक अलग खेल खेल रहा है अभी। तो पिछले 2-3 दिनों में टेम्परेचर अचानक से ड्रॉप हो गया है, लेकिन कुदरत का ये नियम है, जो जितना जल्दी उठेगा उतना ही जल्दी गिरेगा। शायद इसीलिए मैं 10 सेकेंड Hey guys, what's up? Welcome to a brand new YouTube video. I hope you guys are doing absolutely fine. तो अभी रात के 8 बज रहे हैं एंड मैं जस्ट अभी घर आया हूँ काम से एंड अभी मेरे को रेडी होना है, मेरे को जिम जाना है। तो मैंने इतने सालों में ना एक चीज रियलाइज किया है कि लाइफ में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता। मैं अपने काम को, अपने YouTube को एंड अपने जिम को बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता हूँ, तो इन तीन बॉक्सेस में तो टिक 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 हो गया, लेकिन मेरा जो सोशल लाइफ है वो एकदम नॉन एग्जिस्टेंट है। आज देखो सैटरडे नाइट है, सब बाहर पार्टी करने गए, लेकिन मैं काम के बाद मैं जिम जा रहा हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द लास्ट टाइम दैट आई हैड अ पार्टी ऑन अ सैटरडे नाइट वॉज 22 अक्टूबर 2022 लास्ट ईयर, विच हैपेंस टू बी माय बर्थडे। बताओ। तो ठीक है, हर एक चीज पे हम लोग टिक मार्क नहीं कर सकते एंड हम लोग को ये बात एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अभी चलो थोड़ा कसरत किया जाए। वर्कआउट हो गया कंप्लीट, आई ट्रेन्ड चेस्ट एंड शोल्डर्स टुडे, लेकिन अभी घर नहीं जाएंगे, अभी मेरे को हाफ एन आवर 45 मिनट्स और रहना है जिम में, क्योंकि मेरे को रील्स के लिए थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएट करना है इसका साथ में। ए हेलो बोल, हेलो बोलने बोला फॉलो मी गाइस, फॉलो मी, डोंट फॉलो हिम, अच्छा कंटेंट मेरे पास है इसके पास, डोंट फॉलो हिम, आई एम द बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर, यस प्रजीत रॉय, फॉलो मी। तो देखो, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, अगर आप रील्स बनाते हो, तो आप भी यही स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, कोई वीक में एक दिन पकड़ो और उस दिन 4-5-6 अच्छा अच्छा कंटेंट शूट करो, तो क्या है, यू विल स्टे अहेड ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो तो प्लानिंग के साथ करो, सिंपल सा बात। देखो हाँ, बस मैं अपनी बात बोले, ये सब वीडियो में था ना, मतलब तुम्हारे पीछे जो आदमी जाएगा वो तुमको पहनाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहा आस्था बोल रहा है, यहां से क्लिप लेगा फिर, तो ये जगह से बहुत खराब लग रहा है, छिपड़े कूड़े गया था। रोजी में
चीज देखनी है। सक्सेसफुल सक्सेसफुल हॉलीवुड मूवी कंप्लीट, हॉलीवुड मूवी शूटिंग कंप्लीट। तो गाइस एक बात बताऊं, एज अ कंटेंट क्रिएटर जब आपका रीच थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, आप ज्यादा लोग आपका कंटेंट देखते हैं, आपसे इंटरेक्ट करते हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम बहुत सारे हेट कॉमेंट्स और नेगेटिव कॉमेंट्स आते हैं। अभी जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, ये दो टाइप का। पहला, आपका कंटेंट जेन्युइनली लोगों को पसंद नहीं आ रहा है एंड वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं। जो दूसरा टाइप का है वो जेन्युइन हेट एंड डिसरिस्पेक्ट है। आप जितना भी अच्छा काम कर लो वो लोग आपको हेट ही करते रहेंगे। अगर आप एक कॉन्टेंट क्रिएटर हो एंड आपको ये सब हेट कॉमेंट्स मिलते हैं, एकदम बिंदास ये सब कॉमेंट्स को इग्नोर करने का। एंड अगर आप उनमें से एक है जो ऐसे हेट और डिसरिस्पेक्टफुल कॉमेंट्स लिखते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि इंटरनेट में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है। So let's just spread positivity. अगर positive बोलने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ negative भी मत बोलो। Let's all hope and make internet a better place, and that starts with you. ये जस्ट अभी आया नया, मैंने एक फुटबॉल बूट्स मंगाया अपने लिए क्योंकि आजकल थोड़ा खेलना हो रहा है फुटबॉल। तो मैं जिस कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ यहाँ पे वीक में एक दिन फुटबॉल होता है संडे को, ठीक है। तो यूजली हम लोग के कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड में होता है, लेकिन आज एक क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो हम लोग ने एक टर्फ बुक किया है, हम लोग टर्फ में जाके खेल रहे हैं। ये स्पेशली आपका टर्फ जैसा ग्राउंड्स के लिए बनाया हुआ है एंड ये निविया का मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ा। चाहता तो वो एडिडास नाइकी का 4-5 thousand का भी ले सकता था, बट मैं उतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। ये शूज का प्रॉब्लम क्या है ना, सिर्फ फुटबॉल खेलते टाइम ही यूज होगा। बास्केटबॉल शूज जिम में पहन सकते, इसको नहीं पहन सकते। चलो ये जूता आने से एक चीज तो अच्छा हो गया, जो लोकल क्रिस्टियानो रोनाल्डो है उसको एक पेयर ऑफ फुटबॉल शूज मिला जिसको पहन के वो दबा के प्रैक्टिस कर सकता है एंड आगे बढ़ सकता है। एंड आज से 10 साल के बाद जब हम बैलॉन डोर जीतेंगे, मेरा भी सक्सेस क्राई यही होगा कि मेरे पास जूते नहीं थे फुटबॉल के। चलो आज होगा फुटबॉल होगा, क्रिकेट का मौसम। ये हम लोग आर्सेनल फैन, ठीक है, आकू पूरा गनर्स, लेट्स गो गनर्स। आर्सेनल का जर्सी का पीछे अपना नाम वाम लिखा लिया पूरा, और अभी ये साल इतना खुश है ना ये क्योंकि आर्सेनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गुनार गुनार एकदम सीधा चलो ना। एकदम सीधा नहीं है। आए हम साउथ सिटी गांव से, पहले यही मेरा इलाका था, पहले इधर ही रहते। इलाका नहीं पड़ा, यही बात कर दो, यही बात चालू भाई। देखो हम ग्रुप में 12 बजे का टाइम दिए थे, सब देखो 5-10 minutes लेट है। ब्रो दिस इज कलकत्ता, ब्रो दिस इज इंडिया, नॉट जस्ट कलकत्ता, दिस इज इंडिया। तो चलो अभी मैच किक ऑफ होने वाला है और ये मैच हम ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मेरे पास नहीं है इसका, ठीक है। तो सोनी लाइव पे लॉगिन करना एंड वहां पे ये मैच आपको दिख जाएगा। वेलकम टू पीडॉक स्पोर्ट्स, टुडे वी आर जॉइंड बाय द फेमस ब्लॉगर केतन। कैसा लगा तुमको खेल? तो दिस वाज माय डेब्यू परफॉर्मेंस, हिंदी में बोल। तो ये मेरा डेब्यू परफॉर्मेंस था। सबसे पहले हम अपना फैंस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इतना दूर से हमको देखने आए। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मैं बहुत अच्छा खेला अपना डेब्यू मैच में, हमको लग रहा है कि हम बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। केतन चिप्स हो गए इतना टैलेंट होने के बाद। आज तो लेकिन संडे है, संडे चीट डे तुम्हारा। विनर्स नेवर चीट। हम जो तुमको फर्स्ट पास दिया और तुम गोल मारे, वो गोल मारने का सेंसेशन कैसा लगा तुम? इट वॉज एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फीलिंग। आई स्कोर्ड अ गोल एंड आई हेल्प्ड द टीम टू विन द गेम। It was a well-deserved 3 points and all of us, our boys, we played absolutely good. But bro, that was like the first goal of out of 9 goals. पहला गोल ही मेन होता है, पहला गोल के बाद मोमेंटम आता है, सो द लीडर इज ऑलवेज द वन हू गिव्स द टीम द फर्स्ट बूस्ट। Stay tuned, we'll come back again some next Sunday. Inshallah, the boys played well. Inshallah. Holy shit, ये कब लगा? Light tackle मारा ना एक। Holy shit. But GG bro, good game. Yeah, nice. मिलो, मिलते हैं।